दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भाजपा ने जमकर निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग के प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि केजरीवाल का ईमानदारी प्रमाण पत्र मजाक है। एक ट्वीट में मालवीय ने कहा कि हाल ही में कर्नाटक में अरविंद केजरीवाल की कोडीहल्ली चंद्रशेखर को आप में शामिल किया। इस हफ्ते किसान संघ ने उसी चंद्रशेखर को निष्कासित कर दिया था। एक टीवी स्टिंग में उन्होंने केआरसीटीसी कर्मचारियों के हड़ताल को समाप्त करने के लिए 35 करोड़ की मांग करते हुए दिखाया गया था। केजरीवाल का ईमानदारी प्रमाण पत्र का मजाक है। पिछले महीने चंद्रशेखर अगले साल के कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कर्नाटक राज्य रैत संघ गुट के साथ बेंगलोर में केजरीवाल की उपस्थिति में आप में शामिल हुए थे। एक कन्नड़ न्यूज चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें चंद्रशेखर को कथित तौर पर आंदोलन को समाप्त कराने के लिए 35 करोड़ रुपए की मांग करते हुए देखा गया था। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करने के बाद कांग्रेस में चिंतन का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव में करारी हार के बाद पहली बार 2 दिन के लिए लखनऊ दौरे पर पहुंची थी, लेकिन बिना किसी की जानकारी के अचानक ही वह दिल्ली के वापस लौट गई। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी वापसी के बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी जानकारी नहीं थी। प्रियंका के जाने के तकरीबन 1.5 घंटे के बाद उन्हें इस पूरे घटनाक्रम की भनक लगी है। बता दें कि प्रियंका गांधी की आज शाम लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइट थी। आज सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक लखनऊ में उनके कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अगली खबर, गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने खुद को सिपाही बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने की बात कही। भगवा दल में शामिल होने से पहले पाटीदार नेता ने कहा कि काम करने की परिभाषा के साथ बीजेपी से जुड़ रहा हूं। मैंने कभी पद के लालच में कोई काम मांग नहीं रखी है। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले हार्दिक पटेल ने अपने घर पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया। इसके बाद वे सत्यनारायण के मंदिर गए और गौ पूजा भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज तक मैंने पद के लालच में कभी भी किसी प्रकार की मांग नहीं रखी है। कांग्रेस को भी मैंने काम मांगते हुए छोड़ा और बीजेपी में काम करने की परिभाषा के साथ जुड़ रहा हूं। स्थान की चिंता कमजोर लोग करते हैं, मजदूर लोग कभी भी स्थान की चिंता नहीं करते। अगली खबर, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भारत पाकिस्तान विभाजन पर विवादित बयान दिया। उन्होंने देश के विभाजन को नेहरू और जिन्ना द्वारा किया गया अक्लमंदी का काम बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर देश के टुकड़े नहीं हुए होते तो मोदी और मोहन भागवत को खड़े होने की जगह नहीं मिलती। आगर के मालवा में बोलते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि नेहरू और जिन्ना ने देश के 2 भागों में विभाजित करके अकलमंदी का काम किया है। जिन्ना स्वतंत्रता सेनानी थे, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, और उन्होंने देश को तोड़ा नहीं बल्कि भला किया है। उन्होंने आगे कहा कि क्या जिन्ना स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? क्या मुसलमान होने की वजह से स्वतंत्रता सेनानी होने की परिभाषा बदल जाती है? यही सिखा रही है बीजेपी। देश को नेहरू और जिन्ना का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने देश का बंटवारा कर भला किया। अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई है कि सत्येंद्र जैन के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी जेल भेजा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए यह आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जिन सूत्रों ने उन्हें यह बताया था कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होगी, उन्होंने ही अब कहा है कि मनीष सिसोदिया की बारी है। दिल्ली के सीएम ने कहा, आम आदमी पार्टी के सभी मंत्रियों को जेल में डाल दो। फर्जी केस में अब मनीष सिसोदिया को भी जेल में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कुछ महीने पहले ही बताया था कि सत्येंद्र जैन को फर्जी केस में जेल भेजने वाली है। उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी जेल भेजने की तैयारी कर रही है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। आतंकवादियों ने अब बैंक में घुसकर मैनेजर विजय कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी। विजय कुमार को हमले के बाद अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मंगलवार को ही आतंकवादियों ने कुलगाम के एक सरकारी स्कूल टीचर रजनी बाला को गोली मारकर हत्या की थी। इससे पहले बडगाम में तहसील परिसर में घुसकर कर्मचारी राहुल भट्ट की भी हत्या कर दी थी। उसके बाद से ही कश्मीरी पंडितों का आंदोलन चल रहा है। वे खुद की सुरक्षा तय किए जाने की मांग कर रहे हैं। बैंक मैनेजर की इस तरह से हत्या होने के बाद कश्मीर घाटी में स्थानीय हिंदू अल्पसंख्यकों और प्रवासी लोगों में खौफ बढ़ गया है। इस साल की शुरुआत से ही लगातार टारगेट किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं। बीते 5 महीनों में यह 17वां मामला है जब इस तरह की किसी आम नागरिक या कर्मचारी की हत्या की गई हो। अगली खबर, एलन मस्क ने टेस्ला कर्मचारियों से कहा है कि वे सप्ताह में कम से कम 40 घंटे अपने अपने कार्यालयों में आए या कंपनी छोड़ दें। मस्क ने 2 अलग-अलग ईमेल में कहा कि लोगों को टेस्ला के हेड ऑफिस में प्रति सप्ताह कम से कम 40 घंटे की उपस्थिति होनी चाहिए। उन्होंने एक ईमेल में कहा, यदि आप नहीं दिखते हैं तो हम मान लेंगे कि आपने इस्तीफा दे दिया है। इलेक्ट्रेट के अनुसार मस्क ने पहले ईमेल में कहा, जो कोई भी दुरुस्त कार्य करना चाहता है उसे प्रति सप्ताह कम से कम 40 घंटे कार्यालय में होना चाहिए या टेस्ला से बाहर होना चाहिए। मस्क भेजे गए दूसरे ईमेल में लिखा कि वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए अपनी उपस्थिति दिखाना महत्वपूर्ण है और कहा, यही कारण है और वो नहीं था, टेस्ला बहुत ही पहले दिवालिया हो गया होता। अगली खबर, बीजेपी की युवा इकाई के पूर्व शहर अध्यक्ष मोहित कम्बोज को मुंबई सेशन कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने मोहित कम्बोज को आंतरिक सुरक्षा दी है और कहा है कि वे पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा के साथ धोखाधड़ी के केस में जांच में सहयोग करें।
करेंगे। साथ ही वे कोर्ट के बिना बताए शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। मुंबई पुलिस के आपराधिक शाखा ने बीजेपी नेता मोहित कंबोज सहित एक कंपनी के दो डायरेक्टर के खिलाफ इंडियन ओवरसीज बैंक में 58 करोड़ रुपए के गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया था। ये केस MRM मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। वहीं बीजेपी नेता ने सभी आरोपों से इनकार किया और कोर्ट में जाने की बात कही थी। अगली खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तेलंगाना के स्थापना दिवस के अवसर पर गुरुवार को प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और राज्य की सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति पर निशाना साधते हुए कहा कि गत 8 वर्षों में तेलंगाना को TRS के कुशासन का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस तेलंगाना को एक आदर्श और गौरवशाली राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लंबे आंदोलन के बाद वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कर उसमें से 2 राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का गठन किया गया था। राष्ट्रपति ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को 1 मार्च 2014 को मंजूरी दी थी। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ है। अगली खबर, भारतीय कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है। भारतीय जल सीमा से पाकिस्तानी नाव के साथ 7 क्रू मेंबर्स को भी पकड़ा गया है। मामला गुजरात के द्वारका का है, जहां गुजरात ATS की इंटेलिजेंस के इनपुट के आधार पर भारतीय कोस्ट गार्ड ने यह कार्रवाई की है। नाव को पकड़ने के बाद कल रात को ओखा लाया गया। आज विभिन्न एजेंसियों बोट का निरीक्षण करेंगी और क्रू मेंबर्स से पूछताछ भी करेगी। इससे पहले भी गुजरात ATS और भारतीय कोस्ट गार्ड की कार्रवाई करते हुए एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा था, जिसमें 280 करोड़ रुपए के हेरोइन जब्त किया गया था। ये लोग मछुआरे की बोट की आड़ में ड्रग्स की स्मगलिंग का काम कर रहे थे। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 जून को जम्मू कश्मीर के लक्षित हत्याओं में हालिया वृद्धि पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए व्यवस्था की जा सके। एक पखवाड़े के भीतर शाह द्वारा जम्मू कश्मीर पर बुलाई गई यह दूसरी उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक होगी। 17 मई को उन्होंने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, केंद्र शासित प्रदेश के अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों, पुलिस और नागरिक प्रशासन के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में यह सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और 30 जून से शुरू होने वाले वार्षिक अमरनाथ यात्रा से पहले घाटी की सुरक्षा स्थिति को अच्छी तरह से निर्णय कर लिया जाए। We'll be right back.